Hi everyone, this is Hani Amir, and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. एक बात तुम मेरी कान खोलकर सुन लो, अगर इस मर्तबा तुम फेल हुए ना, मैं तुम्हें तुम्हारे अब्बू से नहीं बचाऊंगी, समझे? खत्म ही नहीं होती चक्करबाजियां इस लड़के की। अगर हमारे रास्ते में पत्थर और कंकर आ जाए तो क्या हम चलना छोड़ देते हैं? खुद पे एतमाद और यकीन करना सीखो, यही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। ये फरीद भी सुबह सुबह कहां जा रही है, वो भी इस कदर तैयार होके। कहां जा रही हो? मैं क्यों, तुमसे मतलब? मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ, तुम इतनी सुबह सुबह उठती नहीं हो ना, इसलिए आज मुझे हैरत हो रही है। मैं सुबह कब उठती हूँ कब नहीं उठती, तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ज्यादा मेरी अम्मी मत बना करो। फरीद, ये किस तरह से बात कर रही हो? और माँ ठीक तो कह रही है, और ये छुट्टी वाले दिन तुम सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अम्मी से पूछा है? ये मेरा और अम्मी का मामला, तुम दोनों को बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं। देखो फरीद, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इतना तो हक बनता है मेरा। सौतेला, भूला मत करो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? फरी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हम दोनों का खून का रिश्ता है, तो सगा सौतेला क्या? मैं तुम्हें किसी रिश्ते के काबिल नहीं समझती, इसलिए तुम दोनों प्राय मेहरबानी मुझे ना लेक्चर मत झाड़ा करो। आज के बाद ना लेक्चर झाड़ने के लिए किसी दूसरे को ढूंढ लेना। सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर दिया, कोई और नहीं मिला तुम्हें सारे दिन में? फरी, कहाँ की तैयारी है सुबह सुबह? मेरी दोस्त है ना हीरा, वो कह रही थी आज मिलके दोनों नाश्ता कर लेते हैं। क्या हीरा के पास बड़ा हराम का पैसा है? कभी तुम्हें दावतों पे बुलाती है और कभी नाश्तों पर। फिर इसकी अम्मा का नंबर तो दो मुझे, मैं उनसे बात करूँ। कैसा चक्कर है इस लड़की के पैरों में, ना खुद घर पे टिकती है और ना तुम्हें टिकने देती है। अरे अम्मी, आप गलत समझ रही हैं, मैंने उसे घर पर बुलाया नाश्ता करवाने के लिए। अच्छा, नाश्ता करवाओगी तो ये नाश्ता बनाएगा कौन? मुझे क्या जरूरत है, बाहर से मंगवा लूंगी। बेटा, दरख से पैसे तोड़ लिए? आपको तो फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, आपसे नहीं मांगूंगी, खुद ही मंगवा लूंगी। आप बस अपने प्यारे बेटे शेबी की जेबें भरे, आपको क्या लगे? मेरा प्यारा बेटा शेबी पढ़ने जाता है, इसलिए उसकी जेबें भरती हूँ, तुम्हारी तरह फजूल खर्चियां नहीं करता वो। और ये तुम्हारी दोस्त हीरा आ रही है या तुम्हारी बारात आ रही है? लाल दुपट्टे पहन के तैयारियां तो देखो जरा इसकी। अम्मी, आप बस ना मेरे पीछे पड़ी रहा करो, अब मेरी दोस्त आ रही है, तैयार तो होंगी, क्या फटे पुराने कपड़े पहन लो। फटे पुराने कपड़े ना पहनो, गजबत की जबान अंदर करो तुम। अभी तुम्हारे अब्बू ने देख लिया ना, इतने सवालात करेंगे छन्नी कर देंगे तुम्हें, जाना भूल जाओगे कहीं पर। तो बस मेरे पीछे पड़ी रहा करे, फरीन कहीं जाए ना, घर पे सड़ मर जाए वो। वो आसिफ, नहीं मिलने आ सकती मैं, मजबूरी है मेरी, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि मैं तुम्हारे बगैर कितना तनहा महसूस करता हूँ खुद को? अंदाजा है ना मुझे, इसीलिए तो आ रही थी, अब अम्मी ने रोक लिया मुझे, बताओ क्या करूँ मैं। ये सब उस माहर मन्नू की वजह से हुआ, तुमने सुबह सुबह मेरा रास्ता काट लिया। मैं कुछ नहीं जानता, थोड़ी देर के लिए, इसीलिए तुम मुझसे मिलने आ रही हो, और अगर अभी नहीं आई तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। सिर्फ ऐसे तो मत बोलो, देखो छुट्टी का दिन है ना, सब घर पर है, बताओ कैसे आऊं मैं। आसिफ, खोली काट दी, क्या करूं मैं, इसे नाराज भी तो नहीं कर सकती ना, कुछ तो करना पड़ेगा। शारद साहब, मुझे खर्चे के कुछ पैसे ही दे दें। अभी कल जो दिए थे पैसे, वो कहाँ गए? बहुत लाखों रुपए दे दिए थे, खत्म हो गए वो तो घर के सौदे में।
मम्मी मैंने किचन का नलका ठीक कर दिया है। कि देर क्यों लगा दी, 2 मिनट का तो काम था। अब जाकर जल्दी से शाबाश मेरे कमरे का पंखा सही करो, पूरी रात री नहीं करता रहा मेरे कान पे। उसके बाद तुमने शेबी की कबर्ड का लॉक सही करना है और फिर ड्राइंग रूम के पर्दे उतारने। मैंने इतनी कोशिश की उतारने की, मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा। जी बेहतर कर देता हूँ। अब बस भी कर दो जरीना, सुबह से काम पर लगाए वो उसे। छुट्टी का दिन है, फारिग बैठकर करेगा भी क्या वो? अगर थोड़ा सा काम कर लिया तो क्या हो गया, खाली मक्खियां ही मारता रहता है वो। घर के सारे काम वही करता है, सौदा सलफ से लेकर घर की टूट फूट मुरम्मत तक। आपको इतनी परेशानी है बिशारा साहब, तो आप जाकर कर लो। मन्नू बेटा रहने दो, पंखा अब्बू सही करेंगे, तुम आ जाओ। तुमसे तो बात करना ही महाल है। अच्छा अम्मी मैं जरा काम से जा रहा हूँ बाहर, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ओके बेटा। कभी घर में भी टिक जाया करो, घर के काम भी कर लिया करो। सुबह से मन्नू घर के काम कर रहा है, उसका हाथ ही बटा दो। भाई मुझसे नहीं होते ये फजूल के काम, अब बोले ना मन्नू को कर लेगा वो। देखो 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 कैसे चला गया वो, इस पर नहीं चलते तुम्हारे ऑर्डर। मेरे ऑर्डर तो आप पे भी नहीं चलते, फिर क्या करूं? ऑर्डर नहीं चलते। वैसे बच्चा तैयार होके जा रहा है बाहर, उसे टोक दूं? ये नहीं सिखाया हमारी अम्मी ने हमें? तुम्हारी अम्मा ने नहीं सिखाया, वो घर में रहे या बाहर जाए तुम उसे कुछ नहीं कह सकती। टका सा जवाब जो दे देता तुम। इसी से मदद लेनी पड़ेगी। मनु क्या कर रहे हो? लिखने का काम कर रहा हूँ। ये गुस्सा क्यों हो रहे हो? मुझे ना बहुत जरूरी काम था तुमसे, अपनी दोस्त से किताबें लेनी है, प्लीज ले जाओगे? नहीं फरी, देखने भी कितना काम है, वो देखो ना स्विच बोर्ड भी सही करना है। पर मुझे जरूरी काम है, जरूरी काम ना होता ना तो कभी तुम्हें तंग ना करती, प्लीज। भाई नहीं हूँ मेरे। सबसे पहले तो ये बताओ अम्मी से पूछा है? हाँ बिल्कुल पूछा है, अम्मी से पूछे बगैर कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि अम्मी ने मुझे कहा है कि तुम्हारे साथ चली जाऊँ। अच्छा उन्होंने ऐसा कहा है? नहीं यकीन है तो तुम जाकर पूछ सकते हो। नहीं नहीं तुम चलो, मैं चेंज करके आता हूँ। जल्दी आ जाना। हर वक्त अपने कमरे में घुसी क्या करती रहती हो? वो ताई अम्मी मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी, आपका कोई काम है तो मुझे बता दें। नहीं कह लो पेट्रा, तो मैं सोफे पे बिठा के तुम्हारी तस्वीर खींचनी है मुझे। अरे भाई काम है तभी तो बुला रही हूँ। मैं असाइनमेंट कंप्लीट करके कर दूंगी, आप मुझे बता दें क्या काम है। मेरी बात सुनो, ज्यादा अपनी पढ़ाई का रोब मुझ पर मत झाड़ा करो, हमने भी बहुत किए हैं ऐसे काम। ये अलग बात है कि आज के दौर में इन दर्जियों को फैशन डिजाइनर कहते हैं। उठ जाओ अब, बर्तन पड़े हैं इतने सारे बेसिन में, मक्खियां भिनक रही हैं उन पर, जाओ जाके धो। उठो साफ करके धोना, रात को भी चिकने थे बर्तन। बस इधर ही रोक दो, इधर ही रोक दो। किधर? ये शॉपिंग मॉल में? हाँ वो मेरी दोस्त ना शॉपिंग के लिए आ रही थी, तो उसने कहा लगे हाथों तुम्हारी किताबें भी ले आऊंगी, तो यही रुको मैं बस 10 मिनट में आती हूँ।
क्या हो रहा है मैडम? वो तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कुछ चोरी कर रही थी मेरे रूम से। नहीं, वो मैं तुम्हारा कमरा साफ करने आई थी। वैसे माँ चोर तो तुम हो, बहुत कुछ चोरी किया तुमने मेरा। मुझे यकीन नहीं था कि तुम वाकई आ जाओगे। दाद देनी पड़ेगी। मोहब्बत बाहिम्मत बना देती। नाराज तो नहीं होना मुझसे? नहीं मेरी जान, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन तुमने मुझसे मिलके सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। लेकिन हम कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? तुम अपने घर पर बात करो ना। मेरा ख्याल है कि अब चलना चाहिए, तुम्हारा सुतेला भाई इंतजार कर रहा है। ये तो कह रही हूँ कि प्रॉब्लम कैसे हल होगी, तुम घर पे बात करो ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, आई एम डूइंग माय बेस्ट। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन घर पे बात करोगे तो सारे मसले हल होंगे ना। करोगे ना बात? मैं करूँगा, ये मेरा वादा है। तो तुमने ऐसे बोला। महा ये क्या कर रही हो तुम? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे कॉलेज का बहुत काम बाकी है। जी दादो, मैं तो वही कर रही थी, मगर जरीना ने हुक्म दिया होगा। उफ, इस औरत की जिद, खुदा वास्ते का बैर है उसे तुमसे, जाने क्या चाहती। अच्छा जाओ तुम अपना काम करो, खुद तो अम्मा बेटी सोती रहती, तुमको और मन्नू को नौकर समझ लिया। दादो आप परेशान मत हो, मैं कर लूंगी, आप जाएं। मैं कह रही हूं ना कि तुम अपना काम करो, जाओ। चले मुन्नू, हो गई दोस्त से मुलाकात। हाँ क्यों? अगर ऐसी बात है तो किताबें कहाँ हैं तुम्हारी? वो देखो, मैं ये नहीं पूछूंगा कि वो कौन था, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंक के बहुत गलत कर रही हो। दिल तो चाह रहा था कि मैं उसके होश ठिकाने कर दूं, लेकिन गुस्से में कुछ गलत ना कर जाऊं इसीलिए खामोश रहा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे सफाई मत दो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अभी वक्त है, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। घर पे किसी को मत बताना। चलो चलो बैठो।
बगैर बताए कहाँ गए थे? अम्मी मैं वो क्या मैं वो एक जरूरी काम से गया था। बड़े काम कजा हो रहे थे तुम्हारे बेटा, पानी के जहाज चल रहे हैं, नुकसान तो नहीं हो गया करोड़ों का? जाना ही था, इतना ही जरूरी काम था तो कम अज कम मुझे बता के तो जाते भाई, मैं खुद काम कर लेती। ये वक्त हो गया, कोई एक काम नहीं हुआ और वो तुम्हारी देखा देखी, तुम्हारी चेली चपाटी पता नहीं घर में कहाँ घुस के बैठी हुई है। कोई तरीका है? कहाँ जल्दी मैडम, कहाँ थी? वो कहीं भी नहीं, इधर बाहर ही तो थी, अभी कमरे से निकल कर आई थी। अच्छा, कमरे में ही चली जाओ वापस। हाँ बेटा, दोनों गौर करते हैं ना, रात तक गौर करेंगे, काम तो होते रहेंगे फिर। चलो काम खत्म करो, जाले साफ करने से पहले अपने चश्मे का शीशा साफ करना, खाक दिखना है तुम्हें। पूरी दुनिया को अपने बच्चों की मिसालें देती थी, मुझे क्या पता था मेरी अपनी औलाद मेरी नाक के नीचे ये गुल खिलाएगी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। और गलत क्या होता है बेशरम? फरी किसी लड़के को पसंद करती है, आज मिलने भी गई थी उससे। क्या जब ही होता ही अम्मी से झूठ कह रही थी।